वेरी वॉर्म वेलकम, मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम से हमने आपको वर्ल्ड लीडर से लेके लेजेंड्स, लता जी जैसे लेजेंड जो है उनसे इंट्रोड्यूस कराया, उनके दिल के अंदर तक की आवाजें जो है वो आप तक बताई। आज जो मेरे मेहमान हैं, हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले कई डेकेड से दुनिया को, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटीज, बॉर्डर्स, क्रीड, कल्चर, दुनिया को महसूस किया हुआ है, एंटरटेन किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन ऋषि कपूर जी। वेरी वॉर्म वेलकम ऋषि कपूर जी। थैंक यू कामरान। आपको तो मैं ये बताने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान वाले आपको मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत को न सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया जहान की मोहब्बत जो आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान की शायकी, जो जो उर्दू और हिंदी समझते हैं, उसको किस तरह एब्जॉर्ब किया आपने अपने साथ और करते आ रहे हैं अभी तक? ऐसा है कि ज्यादातर मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो फिल्मों में हुई है, जैसे कि आप शायद जानते हो। जी मैं जानता हूँ कि मैं एक हमारा जो कपूर परिवार है वो फिल्मों से जुड़ा हुआ है। मेरे महरूम दादा पृथ्वीराज कपूर साहब वो पेशावर के थे। पेशावर के? जी हाँ जी। और वो खैर वो तो आई थिंक इन द ईयर 1928 में कलकत्ता आ गए, या शिफ्ट आ गए। बहरहाल देन हमारी जो पूरी फैमिली है वो फिल्मों से जुड़ी हुई है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने फिल्म में कैसे हिस्सा लेना सोचा। मैं बोला ये तो इट बट नेचुरल कि मैं फिल्मों में आता, बिकॉज मेरे दादा, मेरे फादर, मेरे चाचा, मेरे मामा, वो मामा तो सारे रोज है, मेरे जो मामे हैं। अच्छा, ये मेरी बात है। प्रेमनाथ साहब और रजनीकांत साहब, वो भी बता, मेरे मेरे सगे मामे हैं। सगे मामे, एक मेरा मास्टर भी है, प्रेम चोपड़ा। तो ये सब फिल्मों में थे, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन मुझे भी शायद फिल्मों में ही आना था। तो माहौल ऐसा था, फिल्मों का माहौल ही घर में ऐसा था, तो काम हमें वही करना था। ये तो आप लोगों की प्यार मोहब्बत है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का। एक्चुअली ये जो हमारा रिश्ता जो है, हम जो हैं वो सब आप ही की वजह से, आप जो प्यार देते हैं, ये जो आपने हमें पोजीशन दी है वो आप ही की वजह से है। तो हम हर दफा हर जगह ये कहते हैं कि आप हमें वही प्यार हमेशा देते रहें, ताकि हम अपने फन जरिए, अपने काम के जरिए आपका दिल बहलाते रहे। मूवीज पे आप क्या होगा, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा नाम है पृथ्वीराज साहब, बहुत बड़ा नाम थे जी। उनकी जब मुगल आजम देखी तो लगा कि अकबर अगर कोई था तो वो ऐसे होगा जी। इससे भड़के हो सकता, ऐसे हो सकता है जो रोग और दबदबा से। उनको आपने अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हुए देखा? जी जी, मैं दादाजी का एक थिएटर पृथ्वी, ओके, मैं बहुत छोटा था तो मैंने भी हिस्सा लिया था एक ड्रामा में। ड्रामे का शायद नाम था दीवार, ओके, और उसमें मेरा रोल था सिर्फ सोने का। सोने का बच्चा था तो सोना था पलंग, बस वो वही था मेरा रोल। एक अच्छा किस्सा है, मैं अगर आपको जी प्लीज सुना पसंद करूंगा, कि मैंने मेरी पहली फिल्म थी, मैं नाबालिग था उसको, मैं शायद 15-16 साल का था। नाबालिग थे आप? हाँ, 15 साल तो क्या वही होगा, 15-16 साल की उम्र। मैं, मेरा नाम जोकर में मैंने काम किया, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। तो जब मुझे अवार्ड मिला तो मैं जब घर गया तो मेरे फादर ने कहा कि तुम लड़के अपने दादा को देखा। तो मैं जब मैं अपने दादा के पास गया तो मैंने वो जो मुझे वो अवार्ड मिला था, मैंने उनके नेशनल अवार्ड मिला हुआ था, उनके मैंने सामने किया, मैंने आशीर्वाद चाहा, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गया, मैं सोचता था कि मेरे से शायद कोई गलती होगी, उनके आंखों में आंसू आ गए। तो उस वक्त शायद मैं नहीं समझा था, लेकिन आज उसकी गहराई आज मुझे समझ में आई थी, बहुत लेटर समझ में आई थी, कि उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया। वाह, तो मुझे उस वक्त शायद समझ नहीं आई, जब मुझे अवार्ड मिला था। तो ये बड़ी टचिंग मूविंग मोमेंट थे मेरे लिए, मेरे करियर थे, कि जब मैंने शुरुआत की अपने करियर एक्टिंग करके थी तो मेरे दादा ने मुझे ये बड़ा। अच्छा ऋषि जी बताइए कि इससे पहले मैं राज कपूर जी पे आऊँ, राज कपूर जी की जो पर्सनैलिटी है ना, मेरा नाम जोकर पर्सनैलिटी मुराद ये कि मतलब दुनिया को हंसाया उन्होंने। उन्होंने कहा सबसे बड़ा फनी ये है, खुद पे हंसी करवाओ, दुनिया को एंटरटेन करो, ये बहुत बड़ी बात, सेल्फ रेस्पेक्ट से कहते हैं। लेकिन पृथ्वीराज जी जो है बड़े लगते हैं कि बड़े बड़ा रोग दबदबे वाले आदमी है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसे थे, और राज कपूर जी पर्सनल लाइफ में भी इतनी पोलाइट थे। देखिए
जो ढहता था बड़े सुन अपनी तरफ से अपने थिएटर के जरिए ही डिड अ लॉट बहुत से टेक्नीशियन बहुत से एक्टर्स से पैदा हुए अ लॉट ऑफ टेक्नीशियन और ही डाइड वेरी अर्ली रामी थी 1971 के पास बट उन्होंने जो कुछ ऐसे जैसे रोल आपने जैसे कहा कि मुगले आजम ने जैसे मुकबर का जो रोल प्ले किया था शायद भी पॉसिबल होकर कोई उसे कर सके कर सके अकबर भी नहीं कर सकते मैं तो आपको ये बताऊं आपको बताऊं कि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था लैला मजनू की अच्छा मैं बीकानेर में शूटिंग कर रहा था मैं किस्सा बता रहा हूँ अकबर का जरूर जरूर तो वहां उन दिनों में ये मोबाइल वाइल तो खैर थे नहीं उस समय तो हमारे बड़े मशहूर फिल्म मेकर है मनमोहन देसाई साहब उन दिनों में तो वो मुझे एक फिल्म में लेना चाह रहे थे उन्होंने मुझे वहां मुझे कांटेक्ट करना चाहा तो उन्होंने मुझे बीकानेर में लाइटिंग कॉल करके जो दो तीन दिन में लगती थी उन दिनों में बहुत कम्युनिकेशन वेरी पुअर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा मुझसे कि भाई मैं मनमोहन देसाई बोल रहा हूँ और मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ अमर अकबर एंथनी और मैं तुम्हें लेना चाह रहा हूँ अकबर के रोल में मैं जरा कंफ्यूज हो गया उन दिनों में यार मैं अकबर का रोल कैसे करूंगा तो मेरे दादा ने किया तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो गया भाई ये तो क्या आदमी बोल रहा है तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं अकबर का रोल नहीं कर सकता वो तो मेरे दादा ने किया अब वहां मनमोहन जी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है तो ये कंफ्यूजन रहा तो ये जो फिल्म अमर अकबर एंथनी हमने की थी ये इस बिना पे कि मैं अकबर का रोल नहीं कर रहा बादशाह का रोल नहीं कर रहा वो पृथ्वीराज जी पूरा कर चुके हैं जी सर ये बताइए कि उस परफॉर्मेंस में वहां पे बड़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिलीप कुमार साहब की जहांगीर लेकिन बड़ा जबरदस्त मैच वहां पे था परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस में वहां आपको कहां पे आपको लगे दोनों बराबर या कोई ऊपर गया मधुबाला जी देख लीजिए नहीं दिलीप कुमार जी और वो जो रोल में कर रहे थे पृथ्वीराज जी जो रिक्वायरमेंट डायरेक्टर की थी मैं सिर्फ दोनों उनके मधुबाला जी ने कितना बढ़िया काम किया लेकिन डोमिनेट किया पृथ्वीराज जी ने आखिरी सीन में जो चल रहे थे जो फुटबॉल मैच होता है तो कंपेरिजन नहीं कर सकते राज कपूर जी राज कपूर जी ने आपकी ट्रेनिंग की या आपने वैसे उनको देख देख के लर्न कर गया उनसे ट्रेनिंग का हमारी यूनिवर्सिटी पूरे फैमिली की घर में तो यूनिवर्सिटी का ही माहौल था कपूर यूनिवर्सिटी और जहां देखो जो देखो सभी एक्टर्स है तो आई थिंक इट वॉज क्वाइट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इस परिवार से मेरा मैं इस परिवार में पैदा हुआ ऐसी कोई ट्रेनिंग तो खैर हाँ यू लर्न माई एक्सपीरियंस वक्त है आप आपसे आपसे पूछे राज कपूर जी के मुतालिक उनको डिस्क्राइब करें आप एज अ सन भी और ही एज अ आर्टिस्ट एंड ही एज अ डायरेक्टर क्या आपकी क्या किसका डिस्क्राइब करेंगे उनको हु एल्स कैन डू इट यानी कि वो मेरे फादर हैं मेरे पिताजी हैं बट डेफिनेटली बहुत बड़े फिल्म मेकर थे और फिल्म आर्टिस्ट भी बहुत बड़े थे लोगों उनका लगन उनका पैशन बहुत बहुत ही लिव्ड ब्रीथ एवरीथिंग एवरीथिंग वाज ओनली फिल्म शौक था हर चीज में रिसर्च करने का क्या करना है और ज्यादातर फिल्म देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही इमोशनल फिल्में बनाई बड़ी बोल्ड भी हैं इमोशनल फिल्म एंड मेरे लिए जो मेरे साथ एक फिल्म थी प्रेम रोग वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग वेरी आई वुड थिंक वेरी डायनामिक फिल्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो बनाई थी बहुत बोल्ड अहेड ऑफ टाइम थी तो और देखिए वो फिल्म एक्चुअली डी ग्लैमराइज पिक्चर बेवा के ऊपर कहानी थी इतबा पर अदरवाइज उनके बारे में ये भी कहते हैं ग्लैमराइज करते हैं हर चीज सो आई थिंक ही चोज बहुत उन्होंने उनकी जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट थी लाइफ पर्सनल लाइफ में भी इतनी बोल्ड है राज कपूर जी जितनी उनकी फिल्मों का स्क्रिप्ट फिल्म का स्क्रिप्ट नजर आता है उनकी तरक्की नजर आती है हिज थिंकिंग वॉज वेरी बोल्ड एंड ही वॉन्टेड टू मेक फिल्म पहली दफा कब उन्होंने डिसाइड किया या आपने खुद ही डिसीजन ले लिया कि आपने हीरो आना है उन्होंने डिसाइड किया कि ऋषि कपूर विल ऑल्सो बी अ हीरो ऑफ हिज मूवी नहीं ऐसा हुआ
कि एक दिन मैं हम लोग खाने में बैठे हुए थे टेबल पे, तो मेरे फादर ने मेरी मदर से पूछा कि मेरा पेट नेम चिंटू है। ये पता किस एज की बात है ये आप बता रहे हैं? मैं हूंगा 14-15 साल। ठीक है, तो मेरी मदर से पूछा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ मेरा नाम जोकर, उसमें मैंने सोचा चिंटू लू मेरा मेरा ये बचपन का पोषण करने के लिए, आप इजाजत देते हो? आपकी मदर से पूछा? हाँ, मेरी मदर से पूछा। तो मेरी मदर कहा कि पढ़ाई में दखल ना दे और खर्च ना हो, वहाँ देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाई नॉट। अच्छा, ये मैं सब सुन रहा हूँ, मैं बड़े आराम से खाना खा रहा हूँ, जैसे कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, बातचीत चल रही है। मैंने खाना वाना खत्म किया, आराम से उठा, एक्सक्यूज मी, वो किया, अपने कमरे में गया, फटाफट वहां मैंने अपना टेबल था दराज, मैंने खोला, पेपर निकाली, कॉपी बुक निकाली, इमीडिएटली खोला, पेन दिया और वहां मैंने अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वाह वाह, वाकई 14-15 साल रियली? हाँ जी, ये हकीकत की बात है, मान लीजिए। ये मैंने उस वक्त ही अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस करना शुरू किया, भाई अब तो मैं बन ही गया हूँ। बाकी ऐसे ही हुआ, आपने अब ऑटोग्राफ में काम किया, उससे आगे चलते बॉबी आपकी मूवी आई और आई थिंक वो बचपन की सारी फिल्में तो साइड पे निकाल दें, उससे आई थिंक आपको सुपरस्टार बना दिया हिंदुस्तान के सिनेमा में। उस फिल्म का म्यूजिक, उस फिल्म में का जो स्क्रिप्ट, उस फिल्म में आपकी परफॉर्मेंस, डिब्बल कमाड़िया जी की बोल्डनेस, राज कपूर जी की डायरेक्शन, मतलब क्या क्या गिनवाता जाऊं, मेरे ख्याल से उस एक फिल्म में पूरा इंटरव्यू हो सकता है। उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। उस फिल्म ने बहुत से लिहाज से हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड दिया, हिंदुस्तान में सबको ट्रेंड में कि लड़की को भगा के ले गए आप। बिल्कुल, ये पहली दफा हुआ। देखिए, मुझे इससे मालूम है, जो मुझे लोग मिलते थे और उन्होंने सीख ली थी पिक्चर से कि भगाना है। हाँ, ये जो जो शादी करना चाहते थे और कहीं पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया, बॉबी को भगा लो, मोटरसाइकिल बैठा के भगा के ले गए थे। बॉबी से मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ कि हमने तो आपसे सीखा है, आपका हाथ मेरा हाथ चूम लेकिन क्या हमने देखा था बॉबी में, क्या जब आपको लड़की मिल नहीं रही थी, उनके माँ बाप मान नहीं रहे तो बढ़ा के भगा ले गया शादी। राजकपूर जी का फिल्म मेकर ही होता है, नहीं फिल्म मेकर जो स्टोरी होती है। बॉबी में तो ऐसा था कि बॉबी फिल्म जो बनी थी वॉज नॉट अ फिल्म के मुझे लॉन्च करने के लिए बनी थी, वो डिंपल जी बॉबी वॉज अ फिल्म विद राजकपूर। राजकपूर एक ऐसे फिल्म मेकर थे कि जो उनकी परसेप्शन थी, जो उनको बनाना था वो बना गए। ठीक है, इट वॉज नॉट दैट योर फैमिली सो ही इज टेकिंग यू इन द फिल्म। तो प्रेडोमिनेंटली बॉबी वॉज फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, बॉबी तो लड़की का नाम था, मेरा नाम जी और लॉन्च भी किया था उनको, और वो फिल्म मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं बनी, डिंपल जी को उनकी बात एक्चुअली बहुत लॉन्च किया था, तो वो पिक्चर बहुत बहुत बड़ी हिट हो गई और डिंपल ने उस वक्त शादी कर ली थी एंड शी हैड लेफ्ट द फिल्म इंडस्ट्री, सो आई गॉट द टोटल क्रेडिट ऑफ द फिल्म। सही बात है, वो तो डिसअपीयर हो गई, उसके बाद सागर में आई है दोबारा। अच्छा, तो बॉबी की जो मेमोरी है वो याद है, वो बड़ी पुरानी बात हो गई है। जब डिंपल जी को आप पहली दफा मिले, कैसा पाया आपने परफॉर्मेंस वाइज उनको? इतनी कॉन्फिडेंस जितनी आपको, आप तो बहुत बड़ी फैमिली से है ना, नेचुरल एक्टर, नेचुरल बहुत बहुत ही नेचुरल थी, देयर वाज नो क्वाम सिंस फर्स्ट डे। हाँ बिल्कुल, और राजकोट क्योंकि खुद एक्टर थे तो ये क्वालिटी एक एक्टर्स में बहुत अच्छी होती है, जो बड़े स्पॉन्टेनियस हो, एक्टर जो यू नो स्टाइलाइज ना हो। कभी कोई ऐसा स्क्रिप्ट लगा आपको लाइफ में कि जो आपको लगे कि आपको बिल्कुल ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं उसको, कि अक्सर ही ऐसा होता है? नहीं, फिर मैं वो फिल्म क्यों करूँ, वो स्क्रिप्ट क्यों एक्सेप्ट करूँ? जो भी अगर मैंने फिल्म की, अच्छी हो, बुरी हो, हिट हो, फ्लॉप हो, वो तो मैंने अपने जहन से, अपनी जहन से सोच के मैंने की है ना, तो मैंने ऐसी कोई मजबूरी आकर या किसी बंदूक के कनपट्टी में रख के थोड़ी किसने बोला के काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऐसा रोल रहा आपके इतने बड़े कैरियर में जो आपको डिपिक्ट करता है, जो असल ऋषि कपूर है या कोई भी नहीं ऐसा, जो कि ऑब्वियसली अग्निपथ तो आपको रिप्रेजेंट नहीं करती ना, उसमें आपका जो रोल है उसमें वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करती प्लीज, तो इसलिए मैं कॉन्ट्रास्ट के लिए कि वो कौन सी ऐसी मूवीज हैं या जिनमें आप समझते हैं कि आपको रिप्रेजेंट करती है या आपको किसी जहद को, किसी साइड, किसी शेड। देखिए, जो हम फिल्मों में करते हैं वो दिखावा होता है। माई जॉब इज एन एक्टर, मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की हैसियत से मैं जो करता हूँ, रोल को निभाता हूँ। ये जरूरी नहीं कि जो मैं पर्दे पे दिखता हूँ वो मैं पर्सनल लाइफ में हूँ। तो आपको ऐसा रोल नहीं जो आपकी पर्सनल लाइफ को रिलेट करता है? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे कुछ फैसेट्स होंगे मेरे नेचर के जो शायद फिल्म में उनकी झलकियाँ आती हों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेरी मेरी जो जाती जिंदगी है
وہ کسی فلم کے رول میں ریفلیکٹ کرتی ہے. رشی کپور جی اسکرپٹ کو بہت ویلیو دیتے ہیں آپ یا آف کورس یا ڈائریکٹر بہت بڑا تو آپ اس کی طرف جائیں؟ بہت دونوں میں بہت پسند ہے, بہت ہی ضروری. اگر ڈائریکٹر بہت بڑا ہو لیکن اسکرپٹ آپ کو پسند آئے تب بھی آپ ڈائریکشن کی ڈائریکشن بھی ویسے کر لیں گے یا اسکرپٹ کو پرائیورٹی دیں گے لائف میں دیتے آئے ہیں؟ ابھی تک تو دیتے آیا ہوں, اکثر وہی ہونا چاہیے. آن اسکرین جو ہے نا وہ ایکٹرس کا کمپٹیشن جو ہے وہ آبویسلی وہ تو رول کی بھی ڈیمانڈ جسٹیفیکیشن بھی ہے. مطلب میں آپ کی فلم دیکھ رہا تھا ہم دونوں آئی تھنک نانا پاٹیکر ساتھ جو تھی. اب نانا پاٹیکر جو ہے وہ بڑے ہائپر قسم کے آرٹسٹ ہے اور بڑے ہی مطلب آپ کا ان کے ساتھ میچ جب ہوا, میچ میں کہوں گا اس کو, تو مجھے فلم دیکھنے سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ نانا پاٹیکر جو ہے وہ تو بڑا ہائی پروفائل ڈرامہ بولتے ہیں اور بڑے اور آپ جو ہے وہ بڑے ہی سافٹ اسپوکن رومانٹک ہیرو. لیکن وہ جو میں نے فلم دیکھی اور اس میں آپ کے رولس بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے, جو بردر جس طرح کے آپ بنے ہوئے تھے دوسرے کو نہیں کرتے, لیکن آپ نے ان کو ڈومینیٹ کر دیا. بلکہ کئی جگہوں میں آپ ڈومینیٹ کر کے مے بی آئی ایم رانگ کمپلیٹلی, لیکن میرا اپنا ہی پرسپشن ہے. وہ جو اسکرین پہ باڈی لینگویج کی روتھلیسنس نظر آتی ہے آپ کی اور نانا پاٹیکر جی کی, وہ آپ فیل کر رہے تھے کہ ہمارا ایک کانٹیسٹ بھی چل رہا ہے یہاں پہ پرفارمنس کا؟ میں دیکھیے فلم میکنگ کوئی کانٹیسٹ یا کوئی ریس نہیں ہے کہ مجھے پہلے آنا ہے یا اس میں دوسرا آنا ہے. میرے لیے ٹیم ورک ہوتی ہے, یعنی کہ ہم سب ٹیم پلیئرز ہیں اور ہم نے ساتھ ساتھ مل کے گول مارنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ساتھ ساتھ مل کے گول مارنا ہے. یہ کسی کی پرسنل جائیداد نہیں ہے یا کسی کا پرسنل فرنٹ نہیں ہے. تو میں ویسے کام کرتا ہوں, آئی ورک ان ہارمنی وتھ مائی فیلو ایکٹرز. یہ میرے کلیگز ہیں, ہم ساتھ میں کرتے ہیں. پہلے اس سے پہلے ریہرسل کرتے ہیں, ریہرسل کے بعد ہی ہم اسے کین کرتے ہیں نا ٹیک. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا, وی آل پروفیشنل ایکٹرز, ہم اپنی آنےسٹی سے کام کرتے ہیں. کبھی اچھا ہو کبھی برا ہو وہ تو کہہ نہیں سکتے. یہ آن اسکرین ہے, اس کا کوئی تعلق اس کا سچ ہوتا نہیں ہے. لیکن بڑی یہ آپ کی ایکٹنگ کی سچائی ہے کہ لگتا ہے ایسے کہ شاٹ جب ختم ہوا تب بھی دوسرے کو مارے لے. میں اس اسکول کا ایکٹر ہوں جو پروفیس کرتا ہے ٹو بی اسپونٹینیس. میں تھوڑا میں اسپونٹینیس ایکٹر ہوں, ایز اے نیچرل ایکٹر ہوں. میں میتھڈ ایکٹر نہیں ہوں, حالانکہ مجھے میں سب ایسے جو ایکٹنگ ہوں سب کی عزت کرتا ہوں. گریٹ رسپیکٹ فور دیئر آل کائنڈز آف اسکلز آف ایوری کائنڈ آف ایکٹنگ. بٹ جو میرا ایک جو میں اپنے آپ کو جس رول میں ڈالتا ہوں وہ اسپونٹینیٹی کرتا ہے. اچھا رشی جی, 23 سے زیادہ آئی تھنک ہیروئن کو آپ نے اپنے ساتھ انٹروڈیوس کیا, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ڈریم ہیروئن کون سی ہے جس سے آپ کو مزہ آیا کام کر کے؟ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہی تھی. میں ایکچولی اپنے کریئر میں بہت بڑا شرے ان کو دیتا ہوں, ڈائریکٹرز, میوزک ڈائریکٹرز, میری لیڈنگ لیڈیز, ان کا بڑا بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے کریئر میں. میں نے ایز اے لیڈ آرٹسٹ کچھ تقریباً مجھے یاد نہیں ہے, کچھ 125-130 فلمیں کیے ہوں گے. اور جی ہاں, کچھ 22-23 مجھے پتا نہیں کتنی نئی لڑکیوں نے پہلی بار میرے ساتھ کام کیا ہے. اس کا ایک ریزن تھا, ریزن یہ تھا کہ بابی کے بعد جب میں نے فلموں میں جوائن کیا جب, تو چونکہ میری میں 21 سال کا تھا تو میرے ساتھ ہیروئنز اس وقت تھیں نہیں. میری ایج کی آپ کی ایج میری ایج کی تھیں شاید, بٹ وہ مجھ سے بڑی لگتی تھی. جیسے ریکھا اس وقت, ہیما مالنی جی, زینت امان, پروین بابی, یہ سب بڑی لگتی تھی. جو لگتی تھی میری ہم عمر یا ساتھ میں وہ تھی نیتو یا موشمی چٹرجی. تو میں کتنی پکچر ان کے ساتھ کرتا, تو یہ ضروری ہو گیا کہ نئی لڑکی میرے ساتھ انٹروڈیوس کرنا. ذرا قصور ان کا نہیں ہے, آپ خود اتنے ینگ لوگ لگتے تھے, ابھی تک لگتے آئے تو بچاری ٹھیک تھی اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن وہ آپ کے ساتھ میچ کرنا مشکل ہو گیا. میری تو پہلی فلم میں نئی لڑکی تھی, ڈمپل واز دی فرسٹ. اس کے بعد آپ کا جو تھوڑا گیپ آیا بیچ میں, اس کے بعد دوبارہ آپ آئے دیوانہ میں, آپ آئے پھر نئی لڑکی کے ساتھ آپ آئے, تو وہ نئی لڑکی از باؤنڈ فار رشی کپور جی, اور آپ نے ہٹ کراتے ہیں اس کو. یہ ایک اتفاق ہے, میں ایسا کوئی ایک کیلکولیٹڈ موو نہیں تھا. آپ نے شاہ رخ خان جی کو بھی انٹروڈیوس کیا؟ جی, اس کی پہلی فلم تھی. لکی سٹار, اپارٹ فرام یور سیلف دوسروں کے بلیسنگز آپ لے جاتے ہیں. یہ سب کا ان کا بڑپن ہے بھائی, وہ ان کی گڈنس تھی, ان کا لک تھا جو میں شیئر کر رہا ہوں. دیوانہ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اتنے عرصے بعد؟
दीवाना और एक और फिल्म थी मेरी जिसका नाम था बोल राधा बोल, वही बोल जूही चावला, दोनों साथ साथ थी फिल्में बनी थी, दोनों साथ रिलीज भी हुई थी। उसमें आपने डबल रोल किया था? जी हाँ, अपने ही खिलाफ आप गए थे उसमें। जी जी जी, और मैंने पहली बार नेगेटिव रोल भी किया था उसमें, बट लवेबल नेगेटिव रोल। देखिए हर फिल्म अपनी मुकाम हर अपनी जगह बनाई बनी हुई है, मैंने उसे एंजॉय किया है। हाँ याददाश्त उनसे जुड़ी हुई तो है जरूर, लेकिन अगर वो दोहराने जाऊंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। दीवाना नहीं, नहीं लोग एंजॉय करेंगे। दीवाना से कोई जुड़ी हुई आपकी यादें, या चांदनी से, या बोल रहा था बोल से? दीवाना से मुझे शाहरुख का ये जरूर याद है कि हम फिल्म का क्लाइमैक्स कर रहे थे और फिल्म की लाइटिंग हो रही थी, शॉट की लाइटिंग हो रही थी, तो अमरीश पुरी साहब और मैं बैठ के बात कर रहे थे और वहां शाहरुख बैठ के वो फिल्म की एल्बम होती ना वो देख रहा था। और हाल ही में शाहरुख की शादी हुई थी 10-15 दिन पहले, उन दिनों में तो उसमें कुछ स्टिल्स रोमांटिक स्टिल्स भी होती हैं, जैसे आप अर्ज कर रहे थे कि कभी कभी ऐसे कोई हो जाता है, भी बहुत शक है, आपने मारा नहीं लगी। तो वो शाहरुख की ऐसी कोई रोमांटिक स्टिल्स थी फिल्म की, फ्रॉम द फिल्म दीवाना, ठीक है, दिव्या भारती के साथ। दिव्या भारती, तो देखते क्या है कि दूर से शाहरुख की मिसेस गौरी जी, नहीं नहीं वो बिल्कुल फिल्मों के बारे में उनको इल्म बिल्कुल ही नहीं था, दिल्ली की लड़की थी, फिल्मों के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था, मुंबई आई हुई थी तो शाहरुख से मिलने आ रही थी, एंड शी वॉज कमिंग टूवर्ड्स अस, तो शाहरुख सडनली पैनिक करके उसने एल्बम बोले एल्बम छुपा दो एल्बम छुपा। अच्छा, मैंने बोला क्या हुआ? तो नहीं यार वो गौरी देख लेगी मुझे पार्टी के ऐसे सीन की तो बहुत नाराज हो जाएगी। मैं बोला बच्चे अभी तू लह रहा है, जब इसका खून लग जाएगा ना तुम्हारे पे फिल्मों में काम करने का फिर सब ठीक हो जाएगा ये। और वही हुआ। अब जब मैं मिलता हूँ, जब भी अक्सर जब मिलते हैं तो मैं दोहराता हूँ ये किस्सा, और बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं हम सब कि ऐसा भी एक किस्सा हुआ। आपके साथ वाबस्ता है बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग, ख्वाब सागर का हो, ख्वाब अमर एंथनी का हो, ऋषि जी कोई आपका अपना फेवरेट सॉन्ग है जो आपने बहुत एंजॉय किया और पिक्चराइज करते हुए सुनते हुए, और उससे कोई जुड़ी कोई मेमोरी अगर है तो प्लीज शेयर विद अस। इतने बड़े सॉन्ग आपने सही कहा कि मुझे अपनी पूरे करियर में बहुत बढ़िया म्यूजिक मिला है, बहुत अच्छे गाने मिले हैं जो बहुत चले, बहुत सक्सेसफुल गाने थे। अब बहुत मुश्किल है उनमें से किसी को फेवरेट प्ले करना, लेकिन एक फिल्म जो जिसकी जिसका म्यूजिक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था और आज भी वो मुझे 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 ताज़ा लगता है, वो फिल्म लैला मजनू की म्यूजिक था। अच्छा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बहुत परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त। तो वो भी नई लड़की थी उस वक्त? बिल्कुल नहीं, नई लड़की रहे, पुरानी किसी के साथ वो पुरानी हुई है बाद में आपके पास तो नहीं फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, बाकी जितनी हीरोइन से तो मैंने काम किया है वो सब जितनी है वो दूसरी फिल्म है उनकी, मतलब शायद किसी और फिल्म में इंट्रोड्यूस हो, सेकेंड फिल्म उनके साथ मेरे साथ थी। पहली जो है मसलन जैसे पूनम ढिल्लन हुई, टीना मुनीम हुई, पद्मिनी कोल्हापुरी हुई, नीतू हुई, ऐसे बहुत से जो सेकंड फिल्म तो मेरे साथ थी। राइट, अग्निपथ का जब रोल आपको बताया गया, क्योंकि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, और शॉकिंग इसलिए था कि आपकी परफॉर्मेंस लगा ऐसे कि वो आप वही हैं, और जो मैं से पहले देख रहा था आपको वो आप नहीं हैं, तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस की तो जान है ना कि वो लगा ऐसे कि वो यू आर नॉट ऋषि कपूर एनी मोर, ड्रीम बॉय, लवर बॉय एंड आर्टिस्ट, वो बहुत जो अच्छा है वो तो कुछ और ही था। तो इतना इंटेंसिटी आपने, क्या वो बड़े अरसे बाद कोई नेगेटिव रोल या रेयर नेगेटिव रोल आपने किया था कि इतनी इंटेंसिटी आ गई उसमें? ये रोल एक्सेप्ट आपने जब किया तो ऑब्वियसली आर्ट के लिए किया होगा, और तो उसकी वजह नहीं, ये डिफरेंट ऐसा है कि जब मुझे ये फिल्म ऑफर की गई थी तो मैंने ये फिल्म रिफ्यूज कर दी इस रोल को सुन। मैंने बोला नहीं अभी मैं कैसे करूंगा, आई विल नॉट डू जस्टिस टू, मैं नहीं कर सकता ये। लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे दोनों करण थे, एक करण मल्होत्रा एक करण जौहर, जी जी, वो एब्सोल्युटली परसिस्टेंट थे बिल्कुल, लेके भाई तुम्हें ही कर रहा है। मैं ये इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कहीं मेरी वजह से ये पिक्चर ये रोल कम जान मैं नहीं कर पाऊं तो ये पिक्चर नहीं चलेगी, ये पिक्चर खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरी इमेज, मेरी छाप, मेरी आइडेंटिटी वो नहीं थी, तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी ऑडियंस। ठीक है, तो वो मानने से रहे,
तो एक महीना निकल गया, मैंने बार बार उनसे कहा कि मैं नहीं कर सकता ये फिल्म, मैंने भाई प्लेन किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुट्ठा से मस ना हुए, वो उनको तो चाहिए था ऋषि कपूर। सही मानों में आपको बताऊं कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था ये रोल करने। क्यों? मेरे में कन्विक्शन नहीं था कि मैं इतना खराब इतना लगूं पिक्चर में, शायद मैं लोगों को डरा सकूं। मैं यू नो डरा दिया, वैसे मुझे डरा दिया लोगों को। बात की बात है, देखिए मैं बता रहा हूं मैंने कैसे एक्सेप्ट किया। तो मैंने उनसे कहा कि अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मैंने उनसे कहा कि एक काम करते हैं, डू अ लुक टेस्ट, जो मैंने 40 साल के करियर में कभी स्क्रीन टेस्ट जिसे कहते हैं, लुक होता है, लुक देखते हैं कैसे, डू अ लुक टेस्ट। तो मैंने एक लुक टेस्ट किया और वो बाकी कुछ बहुत ठीक ही निकला, और मुझे लगा कि हाँ शायद मैं ये रोल एक्सेप्ट कर लेता हूँ, देखते क्या होता है। मेरे में कुछ उतनी साहस आई कि मैं, हिम्मत हुई मेरी कि मैं इस रोल को मैं टैकल करूँ। तो मैंने वो कहा, तो फिर मैंने अपने डायरेक्टर को भी कॉन्फिडेंस दिया, मैंने देखो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, आप देख लो कि मेरा रिज्यूमे जो है पिक्चरों का, जो मेरी एक आइडेंटिटी है, जो मेरी छाप है, इमेज है, जो जवानी में थी वो तो उसको रोमांटिक थी, अब तो मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ, आई एम एक्टर हु ट्राइज टू प्ले ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स, यू हैव टू हैंडल इट। तो ये श्रेय, ये जिसका जो क्रेडिट है, जो आप लोगों ने मुझे दिया, जितने मुझे तमाम पुरस्कार अवार्ड जो मिले इस फिल्म के लिए, वो मैं सब डेडिकेट करता हूँ वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को। उनकी कन्विक्शन थी कि मैं इस रोल को निभा पाऊंगा। मैंने ऊपर वाले की मेहर से मैंने वो रोल निभा लिया, लेकिन उनकी सोच थी, उनकी कन्विक्शन थी कि इस रोल में ऋषि कपूर को ही निभा। So then I credit that complete thing to them. आप के साथ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे कि डिम्पल जी पहले आपके साथ आई तो हीरोइन थी, उसके बाद भी वो मिडिल एज में भी आई, आप फिर भी हीरो हैं। सीमी जी जो है वो पहले आई, उसके बाद मेरा नाम जोकर, उसके बाद आपके साथ वो एक नेगेटिव रोल में कर्ज में आ गए। ये कर्ज का एक्सपीरियंस री इनकारनेशन, उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया था, दोबारा आप जन्म लेके आए, उसके बाद उसका म्यूजिक खैर बहुत ही हिट था, और फिर आई थिंक नहीं उन्होंने हीरोइन इंट्रोड्यूस पहली दफा हुई थी वो जो हीरोइन थी, पहले कर चुके, लेकिन वो बड़ा फ्रेशनेस के साथ सुभाष भाई आई थिंक डायरेक्शन में जो, तो मतलब वो आपको इजी हुआ वो रोल करना, मतलब दोबारा जन्म लेके आना, कोई इशू नहीं था उसमें, बट यू हैव मेमोरीज विद दैट मूवी, और जो आजकल फिर आप सुभाष भाई साहब के साथ कर रहे हैं, यस कांची जो आइटम सॉन्ग आपका आने वाला है, आई थिंक यू आर द रेयर मेल पर्सन जिनका आइटम सॉन्ग, आइटम सॉन्ग खराब हो वो, क्योंकि तो लड़कियों का आइटम सॉन्ग होते ना आपके, तो सॉन्ग जो है बड़े रेयर होते हैं, जैसे भी आप समझे, बट एक्चुअली हालांकि खत्म किया हमने, कांची का गाना भी खत्म किया, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना और करने वाले हम, आइटम नहीं कहते उसे, बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग। हाँ, कर्ज वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, कल्ट फिल्म बन गई थी, फिल्म तो बहुत मशहूर हो गई, वो सीक्वल उसके रीमेक्स बने गाने के बने, नहीं पिक्चर के बना रही मुझे सिंगर उन्होंने बनाया है, वेरी इंजॉयबल फिल्म फॉर मी, मुझे बहुत मजा आया था। सुभाष भाई को आपने कर से लेके आज तक वही पाया या उससे बढ़ गया? 34 साल बाद मैंने काम किया सुभाष के साथ, एंड ही बीन अ वेरी सक्सेसफुल, वेरी फाइन डायरेक्टर, वेरी फाइन फिल्म मेकर। आज हम उन्हीं के स्टूडियो में बैठ कर बात कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी जो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रही है, ऊपर नीचे तो भाई अप्स एंड डाउन द पार्ट ऑफ लाइफ, बट ही इज बीन अ मोर देन अ फिल्म मेकर, इज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड। राइट, आपकी जन्म पीछे लगी हुई है बेशरम, बेशरम जी, आप और आपके बेटे और आपके बेटे, बेटा बेशरम है, मैं बेशरम नहीं। तो ये आप तीनों क्या बोल, नीतू सिंह जी भी इसमें बड़ी यूनिक फिल्म होने जा रही है। अच्छा देखिए, हम इसमें हम रणवीर के पेरेंट्स नहीं है पिक्चर। अच्छा, पेरेंट्स नहीं है, वी आर नॉट द पेरेंट्स, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मासी फिल्म। आप पुलिसमैन है इसमें, बेटा का बदमाश है इसमें, बदमाश मतलब लवेबल बदमाश है, इट्स अ वेरी एंजॉयबल फिल्म। इज इट अ कॉमेडी? वेल हाँ, समझ लीजिए जो हिंदी फिल्म होती है उनका रोल जो है, आपको पुलिस वाले का, उनका पुलिस वाले, दोनों पुलिस वाले, दोनों पुलिस वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो इससे भी आई थिंक प्रोस्पेक्ट तो आपके, आप कितना ऋषि जी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है अपने कैरियर की, जब आप जवानी की चीज में थे, कि जब फिल्म लगती है उसमें हिट का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है किसी भी चीज में। आप मार्केट में प्रोडक्ट डालिए, उसका एक्सेप्ट होना, उस पर चलना जरूरी होता है,
वैसे भी फिल्मों में जब हम कहानी बनाते हैं, जब हम फिल्मों में काम करते हैं, तो जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका मजा उठाए, तो तब जाके उससे बोलते हैं कि सक्सेसफुल। और किसी भी कलाकार का करियर कोई भी 100% फुल प्रूफ सक्सेसफुल नहीं, किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में वो अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं अपनी तरफ से ये सोचता हूँ कि मेरा काम मुकम्मल, मेरा काम अच्छा होना चाहिए, इन टोटालिटी पीपल शुड लाइक द फिल्म, चलन चले वो मेरे हाथ में टूटे और ना किसी के हाथ में। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं काम करूँ वो लोगों को पसंद। ऋषि जी, आर्टिस्ट जो होते हैं बड़े मूडी, शॉर्ट टेम्पर, आपको लगता है ऐसा होते हैं? टेम्परमेंटल होते हैं आप है? ऑल आर्टिस्ट आर टेम्परमेंटल। आर्टिस्ट ऐसे से could be a painter, could be a sculptor, could be a musician, could be anyone. मतलब ये तो part of human nature है। मतलब आपको डील करना मुश्किल होता है आपके साथ जो लोग रह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आपने बराबर मुझे लगता है ऐसा कि शायद मतलब एकदम इंटरव्यूज आपके देखे तो मुझे लगा कि अमिताभ जी का मैंने लास्ट इंटरव्यू देखा आपके साथ ही था, उसमें मुझे लगा कि वो उनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलना चाहिए। मैं इतनी कह रहा बर्दाश्त करने के लिए गुजार लेंगे आपके मूड्स को। देखिए ऐसा है कि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी हैव अ शॉर्ट कमिंग, हमारी भी कमजोरियां हैं, कुछ हमारी भी क्या बोलते हैं माइनस पॉइंट्स होंगे लाइफ में, वो तो जिंदगी है वो तो चलती है। बाकी ये अपनी तरफ से हम तो पूरी कोशिश करते हैं ये निभाएं जिंदगी को निभाते हैं। चलो अब उनको भी थोड़ी सी करनी चाहिए। वो जो परसेप्शन थी आपकी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान टेंशन को डिफ्यूज किया जाए थ्रू फिल्म एंड कल्चरल इंटरेक्शन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लाया जाए, आज भी वैसे ही है, रियलिटी में टेंशन है और उसके बावजूद नजर आया, आपको क्या लगता है ये आपकी जिंदगी में खत्म होगा कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की? सियासी की बात है मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट पोलिटिकली इंक्लाइंड, आई एम नॉट पॉलिटिक्स, मैं जज्बाती आदमी हूँ, हम जज्बात के लोग हैं, हम कलाकार लोग हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये क्या लगा रखा है, जो चीज 65 साल पहले हुई थी, मैं मानता हूँ कि लोगों को दुख हुआ, रंज हुआ, लेकिन ये बात पुरानी हो चुकी है। ह्यूमन नेचर में ऊपर वाले ने हमें एक ऐसी खास ताकत दी है जिंदगी में, वो है हमारी याददाश्त, भूलने की हमें ताकत दी है कि हम भूल भी सकते हैं किसी विषय को। या तो इंसान जिंदगी अगर ना भूले तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हमें एक वो ताकत दी ऊपर वाले ने कि हम कभी किसी को भूल सकते। आज वो 65 साल जब पार्टीशन हुआ था उसको अभी भी लेकर हम जगत, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, सुखी भी नहीं हूँ ना खुश हूँ। मेरे वालिद की पैदाइश पेशावर में हुई थी, वो तो पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान बना है, उस वक्त इट वॉज द ब्रिटिश इंडिया, अब पाकिस्तान, ही कुड नेवर गो विजिट पाकिस्तान, वो गुजर गए। मैं एक दिन की शूटिंग मैंने इस्लामाबाद की, 2-3 दिन भी आया था पाकिस्तान डब्बे में। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि क्या मैं भी इस दुनिया से उठ जाऊंगा तो मुझे मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान जाने का, ये क्यों लगा रखा है हमने? मैं तो समझता हूँ कि अगर आप देखें जर्मनी में ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन की दीवार गिर गई, एपरथाइड पूरा बॉर्डर शो किया साउथ अफ्रीका में, चाइना जिस मुल्क में जहाँ कम्युनिज्म था वो एप्लीकेट पूरा रेडिकेट हुआ, रूस यूएसएसआर रोम और यूएसएसआर कम्युनिज्म, तो क्या हम अपने रिश्ते जो हम एक जबान बोलते हैं, नीरी सेम, खाने की खाना सेम है, पहनना, रिश्ता, मोहब्बत, हमें इतना प्यार देते हैं। मैं जहां दुनिया में जहां जाता हूं, जब कभी कोई भी पाकिस्तानी मिलता मुझे इतना प्यार देते, इतनी मोहब्बत देते, इतना अपनापन देते हैं, तो ये क्यों लगा रखा? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं मुझे सियासत की बातें नहीं लगती, आई डू नॉट नो पॉलिटिकल, कि सम टाइम वी हैव टू बैरी दी हैचेट एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू बेटर रिलेशन। आपको लगता है मैं बहुत कभी जज्बाती हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ शायद रणजीत को मौका मिलेगा पाकिस्तान जाने का। अच्छा, आपको लगता है आपको नहीं मिलेगा? आई डू नॉट नो ये कब खत्म होगा ये सिलसिला। जब मैंने आपसे अभी एग्जांपल दिया है कि जर्मनी में हुआ, रूस में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, दुनिया भर में बदल रहे ना लोग, एक अपनी अपनी जिंदगी के जो हिस्से हैं वो दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। हम कोशिश नहीं करते, हम बस
यही लगा रखा हमने कोशिश करनी, हमने कोशिश नहीं, अब हम ठान लेनी चाहिए कि हमने ये करना है। मैंने मुझे नहीं मालूम ये क्या है पॉलिटिकल बात, रूसिया बोलते हैं ये बोलते, मुझे सब ये नहीं पता। मैं जज्बाती आदमी, मैं जब मिलता हूँ किसी को वो प्यार मोहब्बत से जो मिलता है मैं उससे वैसे ही मिलता हूँ। हमें ऐसा सिखाया गया था, हम अपनी फिल्मों के जरिए भी वो बातें करते हैं, प्यार बांटने की बातें करते हैं, हमने तो जिंदगी भर ऐसी बातें। मेरे लिए तो जब लोग पाकिस्तान से मिलते हैं तो वैसे ही मिलते हैं जैसे हिंदुस्तान में लोग मिलते हैं, उतना ही अपनापन दिखाते हैं। ये थोड़ी देखते हैं वो कहते हैं कि तू हिंदुस्तानी है, मैं बात करता हूँ। ये तो मैं मेरे साथ कभी खसा हुआ भी नहीं। बात की, मैं भी इंटरव्यू के एंड पे पहुंच गया। पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी मोहब्बत, लाखों करोड़ों शायकीन, उन्होंने मुझे ये कहा आपकी गजल सुनकर पेश करूं, आपके लिए भेजा उन्होंने, एक्नॉलेजमेंट है आपकी जो इतना काम आपने किया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुनिया भर के सिनेमा के लिए शील्ड। अगर ये आपके बन जाए आप देख रहे हो तो ये मैं हूँ मेरा नाम जोकर से लेके आज तक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका। ये मैं अपने करीब रखूंगा, यानी कि मैं अपने दिल के करीब, दिल के करीब तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिजिकली टू बी माई ऑफिस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान, कभी भी जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, बात करने की जरूरत पड़े, मोस्ट वेलकम।